हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज खाने वाला है ये वाइट मशरूम। देखो ये दोनों बराबर एक मशरूम ही है दोनों, लेकिन ये थोड़ा वो कमूलिया वाला और ये थोड़ा वो मेचोट वाला ना, मेचोट वाला बहुत ही बढ़िया मशरूम है, मेरा फेवरेट है। और ये पोर्क है, सोया सॉस के साथ बनेंगे खाएंगे। और ये बीन्स, तो लोग कुकिंग प्रोसेस तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा ये इधर लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मेरा भित्री वो हो जाएगा। तो बनाने के बाद फिर मुखबांग वाला वीडियो, डायरेक्ट मुखबांग वाला वीडियो में घुसा देंगे। घर का मशरूम है, ये पालने वाला मशरूम है, तो ये पानी भिगाते रहने से ना ये खुद निकलता है। ये भी खाने में बहुत ही बढ़िया है। और वो वाला सफ़ेद वाला जो अभी दिखाया है, वो जंगल मशरूम, मतलब जंगल में मिलने वाला मशरूम, नाम तो पता नहीं लेकिन हाँ जंगल में मिलता है, इसलिए वाइल्ड मशरूम। यह हम लोग घर में पालने वाला है मशरूम है। देखो चिलिमचिमी भिगा के ना, कुक करने वाला प्रोसेस दिखाओ पर ना। चलो शुरू करते हैं। इधर पोक करी है और ये मशरूम फ्राई किया हुआ है, बीन्स और ये केकरे का चटनी, केकरे मिस भी वो मट केकरे, वो भी क्या बोलता है रे, सबसे मीठा वाला है। तो शुरू, कौन मन बाजे। और जो सूप को है ना, थोड़ा सूखा सूखा, मशरूम बहुत ही बढ़िया बनाया है। ये कलर जो है ना सोया सॉस की वजह से, वीडियो तो अंधेरा हो जाए तो मजा। मशरूम का आवाज सुनो ना, गप गप। हाँ
पर से ना सूप का मैंने इसलिए पानी पीना पड़ गया। मशरूम भी एकदम बढ़िया से बनाया। सूप का दल हलक हो ना मामूली दीदा ना दिया रात भर हलक हो गया। Нас без. Oh.
बाह हल्ला कर दिया। वाह मशरूम करी A1 पोर्क विथ सोया सॉस A1 पानी में एकदम चिल। चलो गाइस वीडियो इतना तक ही। इतना बढ़िया था सब्जी चटनी के करे चटनी भी एकदम A1 था। तो वीडियो इतना तक ही होगा। अभी तो जाके जंगल में मेरा खेती देखने का टाइम हो गया, तो जंगल व्लॉग वगैरह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो स्टे ट्यून और कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टाटा।